हे गाइस, माई सेल्फ सुमन सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वारिस कौन। वारिस कौन का आध्यात्मिक रहस्य प्रस्तुत है एक कहानी। एक बार एक किसान के खेत में एक तोता घुस गया और गेहूं की चार बालियां एक साथ चोंच में दबाकर उड़ने लगा। किसान ने उसे रोका और पूछा, हे सुख, एक साथ चार चार बालियों का आप करोगे क्या? आपका उधर तो बहुत छोटा है, क्या इसमें ये सब समा पाएगी? किसान की बात सुनकर तोता ठहर गया और बताने लगा कि एक बाली कर्ज उतारने के लिए, दूसरी बाली कर्ज चढ़ाने के लिए, तीसरी बाली परोपकार के लिए और चौथी बाली जीवन व्यवहार के लिए। किसान ने कहा, हे ज्ञानी सुख, मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा विस्तार से बताओ कि इन चारों का तुम करोगे क्या? तब तोते ने कहा, हे अन्नदाता, एक बाली मेरे बूढ़े माँ बाप के लिए जन्म और पालन देकर जो कर्ज उन्होंने मुझ पर चढ़ाया है उससे मैं इस प्रकार उत्तीर्ण हो जाऊंगा। दूसरी बाली मेरे नन्हे बच्चों के लिए, वे अभी असमर्थ हैं, उनकी पालन करके उन्हें मैं कर्ज दे रहा हूँ जिसका भुगतान वे भविष्य में करेंगे। मेरा पड़ोसी बीमार है, उड़ नहीं सकता, तीसरी बाली उसको देकर परोपकार का खाता अर्जित करूंगा और चौथी बाली इस पेट के लिए जिसे जीवन व्यवहार चलता रह सके। तोते की बात सुनकर किसान बड़ा खुश हुआ और उसे जाने दिया। तोते के माध्यम से इस कहानी में मानव को सीख दी गई है कि वे अपने धन साधनों का इस प्रकार बंटवारा करे कि परमार्थ भी निभे और व्यवहार भी। हम ना सही, हमारे वारिस तो खाएंगे। परंतु वर्तमान युग में अधिकतर मानव व्यवहार के बारे में इतना सोचते हैं कि परमार्थ की अवहेलना कर बैठते हैं। वे वर्तमान सुख सुविधाओं के एकत्रीकरण में इतना समय, संकल्प और ऊर्जा लगा देते हैं मानो उन्हें हजारों वर्ष जीना है और उपभोग करना है। किसी ने सत्य ही कहा है, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। जब यह बात उन्हें कही जाती है तो उनका उत्तर होता है, हम नहीं सही, परंतु हमारे वारिस तो खाएंगे। उनके लिए जोड़ना भी तो हमारा फर्ज है, परंतु क्या हम जानते हैं वारिस कौन? वारिस का सही अर्थ क्या है? पुण्य कर्म ही सच्चा वारिस। हम वारिस का मतलब समझते हैं संतान, जो हमारी मृत्यु के बाद पीछे छोड़ा हुआ हमारा धन सामान संभाले, जिसके नाम पर हम वसीयत करते हैं। उसमें भी पुत्र को वारिस मानते हैं, जो आगे वंश को चलाए, जो चार दीवारी के घर को संभाले। परंतु सवाल यह भी तो है कि आगे क्या लेकर जाएंगे? पीछे जो छूटा उसका तो प्रबंध कर लिया, परंतु आगे हमारे साथ क्या जाएगा? क्या उसका प्रबंध किया? अतः आध्यात्मिक रूप से वारिस का अर्थ है अपने अगले जन्म को तैयार करना, पुण्य कर्म रूपी कमाई एकत्रित करना, अपने अगले जन्म को सुधारना। जिसे हम धन देकर जाएंगे वो हमारा अनुकरण करेगा या नहीं हमें मालूम नहीं, परंतु हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो आगे का श्रेष्ठ होगा, यह निश्चित है। आज मैं आपको बताई असली वारिस कौन। तो गाइस, रियल में अपना असली वारिस कौन है? पुण्य और कर्म ही सच्चा वारिस है। गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। If you like this video, please hit the like button, subscribe my channel and also press the bell icon for latest update. Guys, please copy the link and share on Facebook, WhatsApp, Insta and Telegram also. इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। Thanks for watching.